सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार तीसरे दिन कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में वायरस से 2400 से अधिक लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में 3,18,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश भर में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले एक दिन में कोरोना के कम केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या थोड़ी कम हुई है। वहीं बाकी और भी कुछ राज्यों में कोरोना के कम केस ही सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से अभी भी एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। देश भर में एक दिन में कोरोना के 3,55,680 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,436 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,621 लोग संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में सिर्फ 18,043 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना की वजह से एक दिन में 448 लोगों की मौत हुई है। कई राज्यों में कोरोना के केस में कोई कमी नहीं दिख रही। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में अभी भी पहले की तरह ही लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। राजस्थान में एक दिन में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि बाकी दिनों की तुलना में कोरोना टेस्ट में आई कमी की वजह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कम दिख रही है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। हालात बेहद खराब हैं, सिस्टम भी फेल हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, देश में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है। ये रिपोर्ट। देश में कोरोना डरा रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों में बुरा हाल है, ऑक्सीजन की कमी से न जाने हर रोज कितने मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी के मुताबिक 1 अगस्त 2020 में देश में ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है। केंद्र सरकार विदेशों से भी ऑक्सीजन का आयात कर रही है। इसके अलावा सरकार गैसीय ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल पर विचार कर रही है। साथ ही 1500 PSA ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए 14 PSA नाइट्रोजन प्लांट की पहचान की गई है, जबकि 37 प्लांट की पहचान पहले ही कर ली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। 7 राज्यों में 50,000 से 1,00,000 के बीच सक्रिय मामले हैं, जबकि 17 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से भी कम एक्टिव मामलों की संख्या है। अगर आप बार बार सीटी स्कैन करवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वैसे ही लोगों के लिए है जो कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण में तीन तीन बार सीटी स्कैन कराने के लिए पहुंच रहे हैं और खतरे को मोल ले रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर ने इसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की आहट बताया है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण से लोग टेंशन में हैं। कई लोग घबराकर तरह तरह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई देसी नुस्खे आजमा रहा है तो कोई डॉक्टरी सलाह। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जानकर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। बार बार सिटी स्कैन करने वालों को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सावधान होने को कहा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि जो मरीज बेवजह सिटी स्कैन करा रहे हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि रेडिएशन के एक डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोग तीन तीन दिन में सिटी स्कैन करा रहे हैं, जो कि उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और आपको हल्के लक्षण हैं तो सिटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। सिटी स्कैन कराने में जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें थोड़ी बहुत चकत्ते आ जाते हैं, जिसको देखकर मरीज परेशान हो जाता है। खासकर यंग एज में बार बार सिटी स्कैन कराने से बाद में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है तो सिटी स्कैन कराने से बचें। इसके अलावा गुलेरिया ने कई और सलाह दी है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के मॉडरेट केस में भी मेन ट्रीटमेंट ऑक्सीजन है। अगर मरीज को ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और एंटीकोएगुलेंट मिल रही है तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।